Good morning, ladies and gentlemen. I am Dr. Manoj Sharma, Head of Department of Spine and Orthopedic Surgery, Jaipur Golden Hospital, Rohini, Delhi. आज मैं बात करूंगा सर्वाइकल या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस क्या चीज है. हमारा स्पाइन नीचे से ऊपर तक इसमें 33 हड्डियां हैं और गर्दन में 7 हड्डियां होती हैं. ये गर्दन की हड्डी मेरे हाथ में है, इसमें 7 हड्डियां हैं जो कि आगे हर हड्डी के बीच में एक डिस्क होती है और पीछे दोनों तरफ एक एक ज्वाइंट होते हैं. तो उम्र के साथ साथ होता क्या है कि ये ज्वाइंट थोड़े थोड़े घिसते हैं और इनमें हड्डियां साइड में बढ़ने लगती हैं और नसों को दबाने लगती हैं. इसकी वजह से गर्दन में दर्द रहता है जो कि सर में भी जा सकता है, सर में चक्कर आ सकते हैं, हाथ में भी जाता है, हाथ सुन्न हो सकते हैं, या अगर ये दबाव बीच में स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर आ जाए तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोटिक माइलोपैथी, जो कि बड़ी खतरनाक चीज़ है, वो होने लगती है, जिसमें कि मरीज को चलने में दिक्कत आने लगती है, पैर में बैलेंस नहीं रहता, चाल ऐसे शराबियों जैसी होने लगती है और हाथ से भी, हाथ सुन भी हो जाते हैं और हाथ से फाइन काम नहीं हो पाता. जैसे कि आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं या आप कोई अपना बटन बंद कर रहे हैं, कोई भी फाइन काम जिसमें उंगलियों का इस्तेमाल है वो काम करने में दिक्कत आने लगती है ना. तो इससे हम लोग सर्वाइकल या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोटिक माइलोपैथी, जो कि इसका लेट स्टेज में अगर आप नहीं इलाज कराएंगे टाइम पे तो ये चीज़ हो सकती है. अब इसका इलाज क्या है? इलाज ये है कि अगर सर्वाइकल में हम नॉर्मली इसमें दर्द की दवाइयाँ और फिजियोथेरेपी करवाते हैं, अगर उससे 2-3-4 हफ्ते में आप ठीक हो गए तो ठीक है, नहीं ठीक हुए तो फिर MRI करा के हमें मालूम करना पड़ता है कि वॉट इज़ द प्रॉब्लम. आपको स्लिप डिस्क है या बड़ी हुई हड्डी है या कोई स्पाइन में टेढ़ापन आ रहा है जिसकी वजह से नस पे खिंचाव है, तो जो भी कारण होता है उसको हमें ठीक करना पड़ेगा. अब मैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोटिक माइलोपैथी की बात करूं कि उसमें अगर बीच में नस के ऊपर दबाव है स्पाइनल कॉर्ड पे, तो हमें एक सर्जरी करके उस दबाव को हटाना पड़ेगा. आजकल के टाइम में मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी करते हैं जो कि बहुत ही शॉर्ट टाइम में होती है और बहुत ही सेफ है, जिसमें कि अगले ही दिन से मरीज को हम लोग खड़ा करके चलवा देते हैं. आराम से मरीज 3-4 दिन के बाद अपने ऑफिस जा सकता है और अपना काम रिज्यूम कर सकता है. स्पाइनल सर्जरी इज़ वेरी सेफ नाउ, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है. वो ज़माना गया जब लोग सोचते थे कि ये बहुत खतरनाक सर्जरी है ये. आजकल हम लोग दूरबीन से ऑपरेशन करते हैं. वी आर द पायनियर्स इन द मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी इन स्पाइन. वी स्टार्टेड डूइंग लेजर डिस्केक्टमी एंड एंडोस्कोपी वे बैक इन 1998 एंड वी हैव बीन डूइंग इट नाउ फॉर ऑलमोस्ट अबाउट 20-25 ईयर्स. सो Ladies and gentlemen, if you got any problem in the spine, please come to us at Jaipur Golden Hospital, Rohini, Delhi. I am Dr. Manoj Sharma and we promise to give you the best and the minimally invasive treatment for any problem in the spine. Have a nice day and be very healthy and happy. Thank you.